दोस्तों और अध्यापिका जी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी गुनगुन की है। एक बार की बात है, गुनगुन बाग में बैठकर अपना काम कर रही थी। काम करते करते थक गई तो सोचने लगी कितना सारा काम करना पड़ता है। उसने फूलों पर मंडराती हुई मधुर मक्खी को देखा और उसने सोचा कि कितनी सुखी है, काश मैं भी मधुमक्खी होती। तभी मधुमक्खियां ने आकर बोला, तुम तो कितनी सुखी हो, हमें तो पूरा दिन फूलों पर उड़ना पड़ता है। इस काम से हमारे पंख थक जाते हैं और हमें रस भी चूसना पड़ता है। ये सबकन गुनगुन बोली, अरे बाप रे, मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी उसने देखा ऊपर फलों से लदा हुआ इतना बड़ा पेड़ और वो सोचने लगी, काश मैं भी पेड़ होती। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। तभी पेड़ ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि मैं एक जगह पे खड़ा ही रहता हूँ। तो सुनो, मेरे शरीर का हर हिस्सा दिन रात काम करता रहता है। मेरी जड़ें दिन भर पानी खींचती रहती है और मेरे पत्ते दिन भर खाना बनाते रहते हैं। इन सब मेहनत से जो फल और फूल उगता है वो भी आप ले जाते हो, हमें क्या मिलता है। ये सुनकर गुनगुन सोचने लगी कि सच में पेड़ बहुत मेहनत करते हैं और इसके फल तो हम खा जाते हैं, लेकिन ये चिड़ियों के कितने मजे हैं, काश मैं भी चिड़िया होती। ये सुनकर एक चिड़िया बोली, ना ना, हमें भी बहुत मेहनत पड़ती है। एक एक दाना ढूंढने के लिए पूरा दिन उड़ना पड़ता है और घोंसला बनाने में भी बहुत मेहनत है। सबकी कहानी सुनकर उसने अपनी किताबें उठाई और अपना होमवर्क करने लगी और सोचने लगी कि सबको अपना अपना काम कर